IIT NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा। आइए सुनते हैं 12 पाठों की इस पुस्तक का प्रश्न अभ्यास। पृष्ठ 85। प्रश्न 1। पुस्तक के पहले अध्याय के पहले अनुच्छेद में लेखक ने सजीव ढंग से अवध की तस्वीर प्रस्तुत की है। तुम भी अपने आसपास की किसी जगह का ऐसा ही बारीक चित्रण करो। यह चित्रण मोहल्ले के चबूतरे, गली की चहल पहल, सड़क के नज़ारे आदि किसी का भी हो सकता है जिससे तुम अच्छी तरह परिचित हो। प्रश्न 2। विश्वामित्र जानते थे कि क्रोध करने से यज्ञ पूरा नहीं होगा, इसलिए वे क्रोध को पी गए। तुम्हें भी कभी कभी गुस्सा आता होगा। तुम्हें कब कब गुस्सा आता है और उसका क्या परिणाम होता है? प्रश्न 3। राम और लक्ष्मण ने महाराज दशरथ के निर्णय को खुशी खुशी स्वीकार किया। तुम्हारी समझ में इसका क्या कारण रहा होगा? प्रश्न 4। विश्वामित्र ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा हैं, इनसे कोई डर नहीं है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? प्रश्न 5। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, क्या ऐसा करना उचित था? अपने उत्तर का कारण बताओ। प्रश्न 6। विश्वामित्र और कैकेयी दोनों ही दशरथ को रघुकुल के वचन निभाने की प्रथा याद दिलाते हैं। तुम अपने अनुभवों की मदद से बताओ कि क्या दिया हुआ वचन निभाना हमेशा संभव होता है? प्रश्न 7। मान लो कि तुम्हारे स्कूल में राम कथा को नाटक के रूप में खेलने की तैयारी चल रही है। तुम इस नाटक में उसी पात्र की भूमिका निभाना चाहते हो जो तुम्हें सबसे अच्छी, दिलचस्प या आकर्षक लगती है। वह पात्र कौन सा है और क्यों? प्रश्न 8। सीता बिना बात के राक्षसों के वध के पक्ष में नहीं थी, जबकि राम राक्षसों के विनाश को ठीक समझते थे। तुम किससे सहमत हो, राम से या सीता से? कारण बताते हुए उत्तर दो। पृष्ठ 86। प्रश्न 9। राम कथा के तीसरे अध्याय में मंथरा कैकेयी को समझाती है कि राम को युवराज बनाना उसके बेटे के हक में नहीं है। इस प्रसंग को अपने शब्दों में कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत करो। प्रश्न 10। तुमने जंगल और जनकपुर तथा दंडक वन में 10 वर्ष में राक्षसों द्वारा मुनियों को परेशान करने की बात पढ़ी। राक्षस ऐसा क्यों करते थे? क्या यह संभव नहीं था कि दोनों शांतिपूर्वक वन में रहते? कारण बताते हुए उत्तर दो। प्रश्न 11। हनुमान ने लंका से लौटकर अंगद और जामवंत को लंका के बारे में क्या क्या बताया होगा? प्रश्न 12। तुमने बहुत सी पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं पढ़ी होंगी, उनमें क्या अंतर होता है? यह जानने के लिए 5-5 के समूह में कक्षा के बच्चे 2-2 पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं इकट्ठा करें। कथ्य यानी कहानी, भाषा आदि के अनुसार दोनों प्रकार की कहानियों का विश्लेषण करें और उनकी अंतर लिखें। प्रश्न 13। क्या होता यदि क राजा दशरथ कैकेयी की प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, ख रावण ने विभीषण और अंगद का सुझाव माना होता और युद्ध का फैसला ना किया होता? प्रश्न 14। यहाँ कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं और कुछ पात्रों के नाम दिए गए हैं। प्रत्येक नाम के सामने उपयुक्त विशेषताओं को छांटकर लिखो। विशेषताएं हैं पराक्रमी, साहस, निडर, पितृभक्त, वीर, शांत, दूरदर्शी, त्यागी, लालची, अज्ञानी, दुष्चरित्र, दीनबंधु, गंभीर,
स्वार्थी, उदार, धैर्यवान, अड़ियल, कपटी, भक्त, न्यायप्रिय और ज्ञानी। और पात्रों के नाम हैं राम, लक्ष्मण, रावण, विभीषण, सीता, कैकेयी, हनुमान, भरत। प्रश्न 15। तुमने अपने आसपास के बड़ों से रामायण की कहानी सुनी होगी, रामलीला भी देखी होगी। क्या तुम्हें अपनी पुस्तक राम कथा की कहानी और बड़ों से सुनी रामायण की कहानी में कोई अंतर नज़र आया है? यदि हाँ तो उसके बारे में कक्षा में बताओ। पृष्ठ 87। प्रश्न 16। राम कथा में कई नदियों और स्थानों के नाम आए हैं, उनकी सूची बनाओ और एटलस में देखो कि कौन कौन सी नदियाँ और जगह अभी भी मौजूद हैं। यह काम तुम चार चार के समूह में भी कर सकते हो। प्रश्न 17। यह राम कथा वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और उसे चार्ट पेपर पर लिखकर कक्षा में लगाओ। जानकारी प्रस्तुत करने के ये बिंदु हो सकते हैं: रामकथा का नाम, रचनाकार का नाम, भाषा, प्रांत। प्रश्न 18। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया धूमधाम से। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। राम कथा की इन पंक्तियों में कुछ वाक्य केवल एक या दो शब्दों के हैं। ऐसा लेखक ने किसी बात पर बल देने के लिए, उसे प्रभावशाली बनाने के लिए या नाटकीय बनाने के लिए किया है। ऐसे कुछ और उदाहरण पुस्तक से छांटो और देखो कि इन एक दो शब्दों के वाक्यों को पिछले वाक्य में जोड़कर लिखने से बात के असर में क्या फर्क पड़ता है। उदाहरण के लिए, 5 दिन तक सब शांति से, निर्विघ्न और ठीक ठाक चलता रहा। लेखक परिचय। मधुकर उपाध्याय का जन्म 1 सितंबर 1956 को अयोध्या में हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तथा डिग्री वहीं से हासिल की। पेशे से पत्रकार मधुकर उपाध्याय की अब तक 15 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इनमें से कुछ का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। पत्रकारिता और रचनात्मक लेखन की दूरी पाटते हुए मधुकर ने महात्मा गांधी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की पुनरावृत्ति की और उस पर पुस्तक लिखी, धुंधले पदचिन्ह। उनकी अन्य चर्चित पुस्तकों में किस्सा पांडे सीताराम, 50 दिन 50 साल पहले, युद्ध कला और हे वसुधा शामिल हैं। हे वसुधा अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का भावानुवाद है। उनकी 4 पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। मधुकर ने 5 नाटक लिखे, उनका एक कविता संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। उन्होंने भारत को समझने के लिए सड़क मार्ग से देश में 62,000 किलोमीटर की यात्रा की। मधुकर ने 20 से अधिक देशों का भ्रमण किया है। संप्रति वे लोकमत समाचार के प्रधान संपादक हैं और नागपुर में रहते हैं। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा का प्रश्न अभ्यास। इसी के साथ यह पुस्तक भी यहाँ समाप्त हुई। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।